इसके बाद हम यही करने वाले हैं। वहाँ जाना है सवारी को, आपने बोल रहे हैं। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो हम आप लोगों को बता दें, मेरा नाम है मानसी और आप लोग देख रहे हो मानसी गुप्ता ब्लॉग। बच्चों का है 9:15, चले जल्दी से तैयार होते क्योंकि आज हमको जाना है पेंटिंग करने के लिए एक जगह। चलो आप लोगों को दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग मेरा भाई। हम सोच रहे हैं कि मम्मी नोज पियर्सिंग करवा ले, क्या बोलती है? पता है कल इतना वीडियो देखे रात में एकदम मेरा मन हो गया कि हम करवा ले। देखो हम दिखाते हैं आप लोगों को दाग। हम पेंसिल लगे ऐसे पेन लगा के दाग लगा रहे कि हम करवा ले, क्या करवा ले? ने आपने बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, पता नहीं मेरा मन हो रहा है, क्या बोल रही है? लगेगा खेत को मम्मी मना कर रही है, मैंने बोलती थी करवा लो, अब मेरा मन हुआ तो बोलती है मत करवा। देखते मेरा मन बहुत ज्यादा हो रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा सजेस्ट करो कि हम क्या करें। ये मेरा आज आउटफिट बन गया है सेम टू सेम जो कल हम पहने हुए थे, एंड साथ ही में एक शर्ट हम एक्स्ट्रा रख लिए क्योंकि कलर के वजह से शर्ट खराब हो जा रहा है, इसमें वो शर्ट पहन के करेंगे। एंड उससे पहले हम करेंगे पढ़ाई लिखाई क्योंकि एक चैप्टर को कम्प्लीट करने का, हम बुक तो लेके आ गए बट हम पढ़ नहीं पाए घर में बिल्कुल भी, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या बनाई है। आज हम थोड़ा पहले निकलेंगे क्योंकि आज मेरा शूट भी है। बासी रोटी हमको खिला रही है पनीर के सब्जी के साथ, पनीर के सब्जी का लोभ देके हमको बासी रोटी मम्मी खिला दी गाइस। चलो जो है खाना तो खाना होता है, हंस के खा लेंगे ऐसा तो बासी रोटी बढ़िया है। बाय मम्मा। आज थोड़ा सा ना मेरा चीट डे हो चुका है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम करा रहे थे शूट और मेरा शूट कंप्लीट हो गया। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे देख लीजिए और मेरा छोटा सा चोटी देखिए, ये कितना लंबा हुआ करता था यहाँ इससे भी नीचे और इतना सा हो गया। खैर शूट हो गया कंप्लीट, चलिए फटाफट से चेंज करते और पढ़ाई करने बैठते हैं। इसका टिक अप कम्प्लीट कर लिया, चलो अब आते हैं उसके बाद पढ़ेंगे। तो मेरा ड्रेस हो गया चेंज और अभी हम एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं और सब कुछ जब सही रहा तो आप लोगों को एक सरप्राइज देखने को मिलेगा, तो चलिए चलते हैं। और ड्रेस इसलिए चेंज किया क्योंकि मे भी अगर हमको कलर वलर करना पड़ जाए तो मेरा चीटर खराब ना हो इसलिए। जैसा कि देख सकते हो आप, हम आज आ गए हैं पेंटिंग करने के लिए भागलपुर के दीवार पे। अभी तक कुछ किए नहीं, बस एक बार स्प्रे मारे हैं और अभी करेंगे। देखिए कलर खत्म हो गया तो कलर लाने के लिए गए हुए हैं, तो आता है तो कुछ करते हैं। अपन लेगा करेक्टर लेगा। कैसे भैया? 250 बैठ के चलेगा तो चलेगा ना। यहाँ से सीधा जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है सवारी को बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में। आप लोग कहाँ चलेगा? 250 रुपये ले अपन चलेगा पैदल। अभी वीडियो बनाते बनाते देख रहे हैं कि मेरे माथे में देख लो बिंदी लगा हुआ है ये। बाकी जिस मीटिंग के लिए आए थे, जिस काम के लिए आए थे, डील हो गया फाइनल, तो कल से लगेंगे काम पे और बहुत सारा इंटरेस्ट। वैसे तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हम कौन से काम के लिए आए थे, वीडियो देख के नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कल का ब्लॉग देख लिया। आप लोग अभी फिलहाल पढ़ाई छोड़ के आए थे तो सोचे आज बस ऑब्जर्व कर रहे थे कैसे कैसे होता है सब कुछ हो गया फाइनल, तो कल से काम पे लगेंगे। अब काम को कल से कंटिन्यू करेंगे तो सोचे कि आज का टाइम को क्यों ही बर्बाद करने देना। और जो कल बुक लेके गए थे ना उसमें हम एक बार भी पढ़ नहीं पाए थे, तो चलो उसको स्टार्ट करते। वैसे अभी जो आए थे ना सेट में टिक लगा के आए थे। कैसे नॉन स्टिक है ये? अच्छा लोहा का है। अभी हम बैठे थे पढ़ने के लिए और यहाँ पे क्वेश्चन दिखा हमको जो कि है भागलपुर से रिलेटेड, प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? भागलपुर। निकल के ऑफिस से मेरा काम आज का डन हुआ, पढ़ाई आज का डन हुआ और अभी इतने ठंडे को देखते हुए मन कर रहा है चाय पीने का। नहीं भी ठंडी होता तभी भी चाय पीते वो अलग बात है, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चाय पीने। डेली डेली का रूटीन बहुत ज़्यादा वो ऐसा हो जाता है ना कि हाँ ये फिक्स होता है इसके बाद हम यही करने वाले, तो कभी कभी ना ब्लॉग बनाने में लगेगा क्या हम एक ही चीज़ का ब्लॉग बनाए। कल भी तो हम यही बात बोल रहे थे, हम निकल गए अपने ऑफिस से और अभी हम जा रहे हैं चाय पीने। तो चलिए बात बहुत सारा हुआ, अब आप लोग थोड़ा सा इन्जॉय कीजिए सिनेमैटिक शॉट। ये है कि अभी जो है ना दिन मेरा बहुत ज्यादा रिपीटेड हो गया है, इसलिए थोड़ा सा मे भी बोरिंग हो जाता होगा। बट कल है 18 जनवरी और कल से हमारा एक चैलेंज स्टार्ट होने वाला है, 75-day challenge, तो उसमें आप लोगों को बहुत मजा आएगा और आप लोग भी मोटिवेट होंगे हमसे और हम होंगे आप लोगों के प्यार और अपने सपोर्ट से। तो चलिए वो तो कल देख लेंगे, फिलहाल अभी हम लोग चाय पीते हैं। जाली और इस पेड़ को देख के ये प्रूव हो रहा है कि आप किसी भी चीज पे लिमिटेशन नहीं लगा सकते। उस पे लिमिट लगा हुआ था लेकिन वो लिमिट क्रॉस करके पड़ गया, बताओ। आई एम बैक होम गाइज। मम्मी फिर से आज कॉल करके हमको बोली थी मटर छिमड़ी लाने के लिए। मम्मी का मन था मूढ़ी के साथ कच्चा मटर छिमड़ी मिला के खाने का, लेकिन हम जो है ना अपना प्लान चेंज कर दिए जिसके वजह से मम्मी का भी चेंज हो गया। हम बोले हम घुगनी बनाएंगे। तुम्हारा भाई? मेरा भाई चाहिए
पापा। ये था मेरा आज का आउटफिट, एकदम क्यूट सा, और इसके साथ मेरा क्यूट सा पोनी देख रहे हो, और इसके साथ मेरा क्यूट सा बिंदी। तो मेरे ऊपर बिंदी कैसा लग रहा है। और हम आ चुके हैं घर, चलिए बनाते हैं मटर का घुघनी, उसके साथ खाएंगे मूढ़ी। और बड़ा दिन से मेरा मन कर रहा था, मम्मी अभी इनको कॉल की कि मटर लेते आना, कच्चा मटर और मूढ़ी मिला के खाएंगे, तो हम बोले नहीं घुघनी बना के खाएंगे। तो चलिए घुघनी बनाते हैं सिंपल सा, और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं रेसिपी। और 50 रुपए में कल हम यही वाला डोरमेट लिए थे अपने रूम के लिए, काफी सॉफ्ट सॉफ्ट है। वो जो कम्बल होता है ना, जो 1200 रुपए में 2 कम्बल देता है, उसी का लगता है कट करके, जो एक्स्ट्रा बच जाता है पार्ट, उसको इस तरह से कट करके डोरमेट बना दिया जाता है। आम के आम और गुठलियों के दाम। तो घर वाले ड्रेस में हम आ चुके हैं, मम्मी सारा कुछ कट कर दिए, चलिए अभी बनाते हैं। पहले प्याज को फ्राई किए, उसमें ऐड कर दिए टमाटर, थोड़ा मसाला, थोड़ा नमक, ऐड होगा लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको मिक्स कर लेते हैं। बन गया हमारा चाय, इसमें मटर ऐड कर दिए और उसको भी ढक के दो आंच पे इसको सिझा देंगे। फिर हल्दी मिर्ची वगैरह ऐड के और 5 से 10 मिनट में ये बन के तैयार हो गया था। और साथ ही में भी बनने लगा कद्दू का पकौड़ा। कद्दू को इस तरह से स्लाइस कट कर दी और बेसन का यहाँ घोल बना के इस तरह से लपेट के इसको तेल में छान लीजिए, और बन जाएगा इसी के साथ आपको कद्दू का पकौड़ी। ऐसे तो कद्दू का सब्जी नहीं पसंद, लेकिन पकौड़ी अच्छा लगता है। तो ठंडी में पकौड़ी मिलना इम्पोर्टेंट है, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ी तो वो अलग बात है, घर पे सबको चाय पहले पिला दी। आज का मेरा नाश्ता। तो अभी हम करने लग गए हिसाब, दुकान में कितना मजबूत स्टूल आया है, मतलब ऐसे नहीं बेचने के लिए, नहीं सरफ के साथ फ्री है। कितना 5 kg सरफ में, कोई नया स्टूल मजबूत है, वही तो देख रहे मजबूत है स्टूल पूरा एकदम, देख रहे हो। हम इसमें बैठ के ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पूरा मजबूत है। मल भी में, अरे वाह, मल इसमें कमल भी बड़ा सही, कलर भी बड़ा प्यारा है। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कमल खरीदे। लो आजा बॉस, तुमको दिखाता हूँ मैं तुम्हारे लिए कमल खरीदा हूँ, जरूरत पड़ गया हम तुमको बहुत। अरे अरे देख के चलो यार, गजब हो। तुमसे हम और पापा बहुत प्यार करते, इसलिए तुम्हारे लिए ब्लैंकेट खरीदे। मम्मा लो देखो देखो, सत्यम इधर पढ़ाई कर रहे हैं, सत्यम भैया पढ़ाई कर रहे हैं। अरे हम लाए पापा, तुमको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है मेरे ऊपर? कोई स्पॉन्सर करो यार, ठंडी का दिन है, कम्बल स्पॉन्सर करो, जैकेट वैकेट करो, है ना, थोड़ा मम्मी के लिए शॉल करो। कैसा लगा मम्मा? कलर थोड़ा अच्छा लगती ना दीदी? कलर अच्छा नहीं है दीदी, पक्का बोल रहे। देखो बेड के अंदर रखा है, फ्री में बॉस इतना ही मिलेगा, फ्री का है, फ्री का है। हाँ वो सरफ है दुकान में, मस्त मस्त टेबल, आराम से बैठ के ब्लॉग बनाओ, मतलब हाँ ऐसे कपड़ा नहीं धोना, टेबल पे बैठ के कपड़ा धोना। देखो ब्लैंकेट तो बड़ा बढ़िया दे दिया, अरे वाह गुलाबों का फूल बना हुआ है इसमें। खैर चलिए हम लोग चलते हैं दुकान वापस से। आज का बर्तन सारा धोआ गया और हम ये पालक लेके आए, सोच रहे कल जूस बनाया जाए। तो कल से हम लोग एक चैलेंज ले रहे हैं, वो आप लोग कल के ब्लॉग में देखिएगा।